आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर फ्रेंड। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निक रामबली। और आज की इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला हूँ, टाइटल से ही आपको पता होगा। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक स्किप करके ना देखें। और फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा, जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको वीडियो के नीचे, उस बटन पर क्लिक कीजिए। और साथ ही में आपको साइड में एक बेल आइकन यानी एक घंटी का निशान होगा, मतलब एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे हम एयरटेल का डाटा शेयर करते हैं, ठीक है, तो हम देखिए इसमें कुछ बहुत हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि हम अपने कॉल को कैसे शेयर कर सकते, कॉलिंग जो टाइम मिलता है, जो मिनट मिलता है, हम उसको शेयर कैसे करें। और कुछ लोगों ने डाटा शेयर करना तो सीख लिया, बट उसको यूज करना नहीं सीखा। तो आपको यूज कैसे करना है, देखिए यूज करने के लिए आपको क्या करना है, डाटा वहीं ट्रांसफ़र होता है, 1 GB जो पर डे मिलता है वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता। बट मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको जो 1 GB पर डे डाटा मिलता है वो नहीं ट्रांसफ़र होता है। इसलिए जो लोग कमेंट किए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वह फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें। डाटा वहीं ट्रांसफ़र होता है जैसे आपको 10 GB, 50 GB, 100 GB, 40 GB जो एक बार में ही मिल जाते हैं, ठीक है, वो डाटा ट्रांसफ़र होता है, पर डे वाला नहीं ट्रांसफ़र होता है। और जिन लोगों को ट्रांसफ़र हो गया है, जो बता रहा हूँ, जो एक बार में ही जो मिल जाता है 10, 20, 50, जो, तो उनको यूज कैसे करना है। जैसे आप डेली डाटा यूज करते हैं, उसी तरह उसको भी यूज करना है। आप अपना डाटा देख सकते हैं कि कितना बचा है, कितना नहीं बचा, ठीक है, उसमें कुछ अलग कोड बाते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें कुछ सब कुछ दिया है, तो उसका लिंक मैं दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना कॉलिंग मिनट कैसे शेयर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ। बट क्या है कि कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे जिसे बताना ज़रूरी था, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको पता चल सके कि आप जो डाटा यूज करते हैं सेम रेगुलर, उसी तरह से उसको भी यूज करना है। तो आप कमेंट ना किया करें, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हम रिप्लाई किया करेंगे। बट इस वीडियो में कुछ आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको आगे चल कर कोई समस्या ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको जैसे सभी डाटा यूज करते करिएगा। लेकिन आप चेक कर लीजिए कि आपका डाटा आया है कि नहीं, क्या पता चला आपने वहाँ से शेयर तो किया बट वहाँ से आपके अकाउंट में नहीं आया, क्योंकि आपके सिम पर आएगा तभी तो यूज कर पाएंगे। ऐसा होता है कि लोग वहाँ से शेयर कर देते हैं, उनको पता चला कि नहीं शेयर कर दिया, यहाँ पर देखे तो डाटा ही नहीं आया, तो कैसे यूज कर पाएंगे आप, डाटा कैसे चालू होगा। तो आप देख लिया करें कि कितना शेयर हुआ है। और 1 GB वाला तो पर डे जो मिलता है वो तो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए आप ट्राई ना क्या करें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि 1 GB सॉरी जो आपको कॉलिंग डाटा शेयर करने हैं, तो मैंने देखिए बहुत ही उस पर सर्च किया था, मैंने उसमें स्टडी किया था कि हम अपने जो मिनट्स होते हैं जो हम उसको कैसे शेयर करें। जैसे हमारा एंड्रॉयड फ़ोन, हमारे फैमिली में कीपैड फ़ोन है, तो कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में रिचार्ज करवाएं 443 या कुछ भी जो भी करवाएं अनलिमिटेड, तो उसको हम कीपैड फ़ोन में शेयर करें ताकि वो लोग भी रिचार्ज ना करवाएं और मेरे ही कराए हुए रिचार्ज से सभी घर में बात करें, इधर उधर जो भी जहाँ भी बात करना चाहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप वीडियो कट मत कीजिए, पहले सुन लीजिए। देखिए हमने कई बार कस्टमर केयर में फ़ोन किया, मैंने वहाँ के जनरल मैनेजर से भी बात की, ठीक है, तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाली, पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं जिससे आप अपना कॉलिंग मिनट शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की इस कोशिश को नाकाम हो गया, मैं सफल नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने देखिए कमेंट आया था तकरीबन 2 माह पहले, पर मैंने 2 माह तक बहुत से प्रयास किए बट कुछ नहीं हो पाया, तो लास्ट में मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही में सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।